नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दर्पण के बाद जो पढ़ने वाले हैं, यानी दर्पण के प्रकार के बाद जो पढ़ने वाले हैं, उसमें अभी दो टॉपिक बाकी हुई है बची हुई है, जिसमें ए हमारा फोकस, ए हमारा अवतल दर्पण है, यानी कलई बाहर की तरफ की हुई है। यानी कलई जब बाहर की ओर की जाएगी तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा, जिसमें जो बीच वाली रेखा है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, और इसी के समानांतर दो रेखा ऊपर है और दो किरणें जो हैं ऊपर हैं, जो टकरा करके मुख्य अक्ष यानी फोकस बिंदु पे जाके मिलती हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है आपका फोकस अथवा मुख्य फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में जो होती है एक फोकस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, तो उसी को कहेंगे फोकस अथवा मुख्य फोकस। जबकि उत्तल दर्पण की अगर बात की जाएगी तो उत्तल दर्पण में हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यही है कि फोकस अथवा मुख्य फोकस, यानी जो जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं, जितनी भी रहेंगी, सब जाकर के आपके मुख्य अक्ष के एक फोकस बिंदु पर जाकर के वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, यानी वास्तव में जाकर के मिलती हैं। दूसरा है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या होती है। तो जो हमारा ये है ध्रुव यानी P जो है, और फोकस बिंदु की जो बीच की दूरी होगी, यानी F और P के बीच की जो दूरी होगी वही हमारी कहलाती है फोकस दूरी। और तीसरा है फोकस तल, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। यानी किरणें इस मार्ग से जाएंगी, मुख्य बिंदु से टकरा कर, ध्रुव से टकरा कर उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, तो इसे कहा जाता है फोकस तल, जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। फिर है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, यानी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध में है। जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो पार्ट टू में पढ़ाए थे, वह हमेशा जो होती है फोकस दूरी का दोगुना होती है, यानी आर बराबर टू एफ या फोकस दूरी जो भी होगी वह वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। इसके बाद है किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें एक हमारा जो पहला पॉइंट है, एक है आपका अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष से होकर के जाती है वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। लेकिन इस नियम में ये कहा गया है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वह परावर्तित होकर फोकस बिंदु से ही होकर के जाएगी। यानी ये अवतल दर्पण की बात है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें जो होती हैं वह हमेशा फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं अवतल दर्पण में। उसी तरह से है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होती हैं कि किरणें जो होती हैं वह आपके मुख्य अक्ष के समानांतर तो जाती हैं, लेकिन यह परावर्तित होकर के उसी दिशा में लौटती हैं। लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ये भी किरणें अगर जाती तो ये आपके फोकस बिंदु से ही होकर के जाती। इसी प्रकार है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई किरण फोकस बिंदु से होकर के जा रही है, यानी अवतल दर्पण में यदि कोई किरण फोकस बिंदु से होकर के जा रही है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। इसमें भी वही है कि यदि कोई किरण जो है फोकस बिंदु की ओर जाती हुई हमें क्या होती है, प्रतीत होती है, और वह दूसरी ओर जो है मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, निकल जाती है। यानी अवतल दर्पण में जो अस्पष्ट चीजें हमें पता चलती हैं, यानी वास्तविक बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हम महसूस करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दो नियम है आपका कि यदि कोई किरणें जो हैं वह मुख्य अक्ष के समानांतर चलेंगी तो वह निश्चित है कि वह फोकस बिंदु से ही होकर के जाएंगी। जब जाएंगी तो इस किरण को कहेंगे आपतित किरण, और जब टकरा करके लौटेंगी तो वो हो जाएगी परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में पहले ही बताए थे कि एक कोण आई बनता है, एक कोण आर बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब किरणें टकरा के जाएंगी तो अभिलंब बनेगा, एक कोण आई बनेगा, एक कोण आर बनेगा। ये दो नियम है कि जो जब कोई किरणें मुख्य
फोकस बिंदु से होकर जाती हैं तो वह परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा नियम है, कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाए, यदि कोई किरण, मान लीजिए ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है और ये है वक्रता केंद्र, यदि कोई किरण जो होती है वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह दोबारा वक्रता केंद्र पे ही जा करके आपकी मिलती है, यानी उसी रास्ते से ही भी जाती है। यानी यदि कोई प्रकाश की किरणें यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तित होकर के उसी रास्ते फिर वापस लौट जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में हमें जाती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार हमारा चौथा नियम है, कि यदि कोई अवतल दर्पण में यदि कोई ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है, यानी यदि कोई तिर्यक किरण ध्रुव से होकर जाके टकराती है तो वह उसी तिर्यक रेखा की भांति वह दूसरी ओर जो है परावर्तित हो जाएगी, यानी दूसरी ओर उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, यानी कोण आई बनेगा कोण आर। यानी कोई तिर्यक रेखा जिस कोण से ध्रुव से टकराएगी वह उसी कोण से परावर्तित होकर के दूसरी दिशा में निकल जाएंगी, तो ऐसे में कोण जो होता है जितना आई होगा उतना ही आर होता है। तो इस तरीके से चार नियम हमें पढ़ना होगा कि यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो वह परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरा नियम बताए थे कि यदि कोई रेखा जो है फोकस बिंदु से होकर के जा रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के जा रही है तो वह परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तीसरा नियम बताए थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह परावर्तित होकर वक्रता केंद्र की ही दिशा में फिर चली जाती है। और चौथा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण तिरछी प्रकाश की किरण ध्रुव पर मिलती है तो जितने अंश के कोण से होकर जाती है उतने ही कोण से होकर के वह परावर्तित हो जाती है, ऐसे में कोण आई और कोण आर जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये दोनों जो नियम था हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में तो हमें वास्तविक बनता है जबकि उत्तल दर्पण में हम आभास करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश का यहाँ तक के चारों नियम जो हैं समाप्त हुए। एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जा चलती है तो वह परावर्तित तो होकर के फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। दूसरा है यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के जा रही है तो वह परावर्तित तो होकर के वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएंगी। तीसरा है यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो वह उसी दिशा में परावर्तित होकर के वापस चली जाएंगी। और यदि कोई तिरछी प्रकाश की किरण जो ध्रुव पर पड़ती है जिस भी एंगल से पड़ती है वह उसी एंगल से फिर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी कोण आई और कोण आर के क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से आज ये चारों नियम खत्म हो गए। फिर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वो बताएंगे। जय हिंद।